हेलो, नमस्कार दोस्तों। 6 अगस्त 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो एक बार नजर मार लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कौन से एडिटोरियल में यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज पे जो बड़ा वाला आर्टिकल आया है, बेसिकली यह यहाँ पे हम बात करें तो ये आया है एनआरसी के बारे में। तो इस आर्टिकल में एनआरसी के बारे में डिस्कस किए गए काफी सारे पॉइंट। हमारे लिए कुछ काम का इंपॉर्टेंट है नहीं नया पॉइंट, क्योंकि जो भी पॉइंट है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं पीछे के आर्टिकल्स में। तो यहाँ कुछ नया पॉइंट है नहीं, केवल पॉलिटिकल डायमेंशन यहाँ पे यूज है वो की गई है, तो वो आपको पता है कि एग्जाम में यूज करने लायक होती नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है ये है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 को लेके। तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट वगैरह किए गए हैं, देखो लोकसभा से तो बेसिकली ये बिल है वो पास हो गया है, अभी राज्यसभा में ये पेंडिंग है, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, इसलिए वहां पे इश्यूज इसके चल रहे हैं। तो इस आर्टिकल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, काफी सारे डायमेंशन यहाँ पे यूज है वो की गई है। बात करें नेक्स्ट वाले जो मेन पेज पे बड़ा आर्टिकल है, यह है इबोला वायरस के बारे में, और इसमें बताया गया कि भाई WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कैसे इबोला के लिए काम किया था और अभी रिसेंटली कांगो में उसके द्वारा क्या एक्शंस वगैरह ली गई थी, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है यह है ब्री एग्जिट के बारे में, तो टोटली कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि ब्री एग्जिट अब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारे लिए, और स्पेशली जो डायमेंशन यहाँ पे इस आर्टिकल में यूज की गई ना वो हमारे लिए कोई भी रिलेवेंट नहीं होते किसी भी नजरिए से, तो इसे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट पेज पे जो बड़े वाला आर्टिकल है यह है WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस आर्टिकल में बेसिकली डिस्कस किया गया कि भाई किस तरीके से US है वो आज WTO को डायल्यूट करना चाह रहा है, WTO को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो है WTO वो US के फेवर में काम नहीं कर रहा है, आज के टाइम पे इकोनॉमी वो सब कुछ चेंज हो गया है ऑल ओवर वर्ल्ड का, तो इसलिए USA को नुकसान हो रहा है WTO से, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन सारी को। ये यहाँ पे आर्टिकल है, ये हर मंडे को प्रकाशित होता है, कुछ भी काम का नहीं है इसमें, कौन से आर्टिकल में क्या क्या है था लास्ट वीक उसके बारे में डिस्कस बेसिकली किया गया है। ये यहाँ पे दोनों ही आर्टिकल है, ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है UPSC के नजर से, तो इसे भी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 के बारे में, क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो हम देखेंगे और क्या क्या इश्यूज है, सारी चीजें हम एक एक करके यहाँ पे कवर है वो करने वाले हैं। देखो बात करें हम हमारे देश की, भाई रिसेंटली मोटर व्हीकल कौन सा बिल है या कौन सा एक्ट है वो हमारे देश में काम कर रहा है। रिसेंटली मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है वो हमारे देश में काम कर रहा है। अब आप एक चीज तो देख के समझ गए होंगे कि यार 1988 का अगर कानून है और वो आज हमारे देश में काम कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेवेंट नहीं है आज के टाइम से, क्योंकि आज हमारी इकोनॉमिक और आज हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की डिमांड है वो चेंज हो गई है, उस टाइम की सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन कुछ और है। उस टाइम पर पॉपुलेशन बड़ा कारण नहीं थी, जबकि आज देखा जाए तो अर्बन सिटी में देख सकते हो कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, दिल्ली में देख सकते हो ट्रैफिक का कितना बड़ा इशू रहता है, तो आज के टाइम पर समस्या कुछ और ज्यादा गंभीर हो गई है। देखा जाए तो आज के टाइम पर व्हीकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, इतने व्हीकल्स हो गए हैं कि रोडों के ऊपर उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया है, तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर में हमें ट्रांसपोर्ट में रिफॉर्म लाने की जरूरत होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने आप बोल सकते हो कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 वो लाया गया था। देखो इसे लोकसभा में तो पारित करवा लिया गया है, राज्यसभा में भी ये पेंडिंग है वो चल रहा है, तो इसके रीजन इशू देखते हैं क्या क्या तो इसमें इशू है और क्या क्या इसके पॉजिटिव फीचर्स हैं। देखो अहम बात तो यह कि आया क्यों है, इसका मेन फीचर तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल मोटर व्हीकल एक्ट काम कर रहा है 1988 वो रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे इशूज कुछ और हो गए हैं। और जब बात करें हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तो वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब इसमें स्टेट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून है वो बना सकती है, बट ये जो बिल है ये बिल राज्यसभा में विवादित इसलिए है क्योंकि इसमें दो पॉइंट ऐसे हैं जिनको लेकर काफी विवाद है, कंट्रोवर्सी है वो घिरी रही है। जैसे कि बात करें एक तो इसका पार्ट है वो है 66A और इसके साथ इसका एक सेक्शन है वो है 88A। ये 66A और 88A है, इनके ऊपर राज्यसभा है वो आपस में अनुमत मतलब तरीके से सहमत नहीं है, वो विवादित का कारण है। तो देखते हैं क्या विवाद है इसमें। देखो इसमें यह है, ये आर्टिकल सॉरी सेक्शन 66A और 88 है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बना सकती है, ये एक्चुअली इसमें प्रावधान किया गया है। बट यहाँ पे एक वर्ड है, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन जो पॉलिसी है ना, इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो वो स्टेट से क्या करेगी, रिकमेंडेशन या स्टेट के सुझाव वगैरह उनको एड यहाँ पे शामिल करेगी। बट एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान को आपको ध्यान ये रखनी है कि अभी जो यहाँ पे बात की गई है कि नेशनल जो ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी है इसमें स्टेट है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, बट स्टेट की कोई भी बात बाइंडिंग नहीं है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट जो बात कहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे माननी होगी।
तो इस चीज को लेकर काफी बड़ा विवाद रहा है कि भाई स्टेट कोई सुझाव देता है ना, तो उनमें से कुछ ना कुछ सुझाव तो एटलीस्ट मानने चाहिए, क्योंकि उनकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है ना, वो अपनी एरिया के अकॉर्डिंग सिचुएशन को बताएंगे। तो इसलिए स्टेट की जो रिकमेंडेशन है उनको भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया, उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। बट अभी इस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, इसमें कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, उसकी मर्जी है। मतलब स्टेट की राय का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है, एक तो इशू यहाँ पे रहा है ये। इसके बाद में बात करें हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो उसमें इशू एक ये रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में स्कीम ला सकती है, जैसे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करने के लिए, इसके साथ मोबिलिटी को इनहांस या मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इसके साथ ही आप बोल सकते हो कि लॉजिस्टिक जो सर्विस है हमारे देश में, कोरियर वगैरह ऐसी सर्विस है, इनको फास्ट अप या इनको बिल्डअप करने के लिए। तो इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं इशूज है वो आ रहे हैं। इसको लेकर इशूज ये आ रहे हैं कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी भी बना रही है, मतलब रोड वगैरह के लिए सभी अपनी पॉलिसी क्रिएट कर सकती है, इसके साथ ही अगर वो ये और भी जो टॉपिक हो गए जैसे ट्रांसपोर्ट स्कीम वगैरह भी लेके आ जाएगी, तो फिर स्टेट के बाद क्या बचेगा? स्टेट तो कोई मतलब कुछ बना ही नहीं पाएगा इस पे एक्ट वगैरह। तो कहीं ना कहीं इशू ये उठ रहा है कि भाई स्टेट का जो टॉपिक है, स्टेट का दायरा है ना, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप कर रही है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट के टॉपिक के ऊपर अपना अधिकार या अपना वर्चस्व बढ़ा रही है, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ये बेसिकली दो इशू में यहाँ पे सामने आते हैं। अब हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें अच्छी अच्छी बातें की गई हैं जो कि हमारे लिए कुछ काम की हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि देखो आज के टाइम पे हमारे देश में सिटी हैं उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत खराब हो रखा है। मतलब इतना डिले लगता है, आप दिल्ली का एग्जांपल ले सकते हो, मुंबई का ले सकते हो, कि आपको 2 किलोमीटर की जर्नी करनी होती है बस से तो भी आपको बहुत टाइम ज्यादा लगता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हमारी सिटी हो गई है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कई बार परमिट वगैरह है या फिर जो रेगुलेटरी के जो काम है वो कहीं ना कहीं फेयर रूप से नहीं हो रहे हैं। मतलब परमिट भी एक ना एक ग्रुप के लोगों को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मोनोपोली बन रही है। मतलब मोनोपोली का मतलब क्या हो गया कि एक ही जो ओनर होगा ना उसको सारी चीजें दी जा रही है, परमिट वगैरह हुआ, रेगुलेशन वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर फेयर जो आप बोल सकते हो कि माहौल है कंपटीशन का वो नहीं है। तो उसको लेके बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है, क्योंकि भाई एक आदमी अगर अपनी मोनोपोली करेगा तो ऑब्वियसली वो अपनी मनमर्जी करेगा और रेट काफी ज्यादा बढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए सही नहीं है। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि देखो एक तो हमें फेयर ट्रांसफॉर्म है वो रिफॉर्म है वो लेके आने होंगे, इसके साथ ही हमें ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस है वो रखनी होगी। मतलब परमिट लेना है तो उसके लिए प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, डीएल लेना है उसके लिए ऑनलाइन लाइसेंस वगैरह जिसे गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है वो रूल फॉलो होने चाहिए। इसके साथ ही जो मेट्रो वगैरह है इसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ सेट करना चाहिए। अभी देखो हो तो क्या रहा है, मेट्रो तो गवर्नमेंट बना देती है बट उसके साथ क्या करती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी सेट नहीं कर पाती है। जैसे ये मान लो कि यहाँ पे मेट्रो तो बना दी गवर्नमेंट ने बट इसके आसपास वाले एरिया में से ये मान लो 2-3 किलोमीटर का जो दायरा होगा इस वाले एरिया से यहाँ कोई लोग रह रहा हो वो इंसान मेट्रो तक जाएगा कैसे, उसके लिए कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। तो मतलब यहाँ पे ऑटो बस या कुछ ना कुछ पब्लिक सर्विस की फैसिलिटी होनी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट सेट नहीं कर पा रही है। तो इससे क्या कि मेट्रो वो सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रही है। काफी दूर दराज के एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है अर्बन सिटीज में, इसके साथ देखा जाए तो मेट्रो के साथ जो लिंक है वो सही सेट नहीं किए गए हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह राइटर का कि इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो लेके आना होगा। मतलब सीधा सा यही है कि देखो बस है और जो ऑटो वगैरह हो गए या फिर मेट्रो वगैरह होगी, इन सबको एक साथ सिंक करके चलना होगा कि जिस वाले एरिया में बस की इशू नहीं है तो वहां पे बस का इशू है तो वहां पे बस लगाए जाए, जहां पे मेट्रो चल रही है फिर और छोटे इशू आ रहे हैं तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। बस की जरूरत है वहां बस लगाए जाए, ऑटो की जरूरत है वहां पे ऑटो फैसिलिटी क्रिएट की जाए, मिनी बस लगाया जाए, और जहां पे मेट्रो की जरूरत है वहां पे मेट्रो की जाए, ताकि क्या हुआ आपस में एक सारा काम सिंक हो जाएगा, तो उसके थ्रू कनेक्टिविटी काफी अच्छी सेट है वो की जा सकती है। और लास्ट में कनेक्टिविटी मतलब दूर दराज के जो एरिया है वहां पे भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि हमारे देश के सभी लोगों को फैसिलिटी मिल सके। अब बात करते हैं रोड सेफ्टी के टॉपिक पे। देखो रोड सेफ्टी के लिए भी इस बिल में काफी अच्छी बातें, एक तो अहम बात यह राइटरी कह रहे हैं कि देखो रोड सेफ्टी के लिए जो भी रूल वगैरह है ना उनको इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी की सख्त जरूरत है। हमारे देश में क्या है, रूल एग्रीमेंट्स तो बने हुए हैं बट उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता ढंग से। तो मतलब क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस वाले 100 रुपए 50 रुपए लेके छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं मनमर्जी हुई ना, इससे लोग ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। तो बेटर ये रहेगा कि गवर्नमेंट जैसे प्रावधान करिए इस बिल में कि भाई फाइन बढ़ा दिया जाए। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जब भी आप ये कह रहे हो कि फाइन वगैरह बढ़ाओगे तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, हमें लोगों का बिहेवियर चेंज करना होगा और हमें रूल रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट रखने होंगे। इसके साथ ही साथ हमें देखो जीरो टॉलरेंस पे फोकस करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले 10-10, 20-20 रुपए लेके छोड़े किसी को, उसके बेटर यही रहेगा कि हम जीरो टॉलरेंस करें। हाँ गलती है तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो या चाहे आम आदमी हो, सबको सजा मिलनी चाहिए। तो इसी से लोगों में मोटिवेशन आएगा और लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। अदरवाइज लोगों को क्या लगता है,
यार कुछ नहीं है, पुलिस वाला 20 रुपए ले लेगा, छोड़ देगा, चलो ऐसे चलते हैं, हेलमेट नहीं है, जो भी इशूज है। तो कहीं ना कहीं हरासमेंट वाला मौका नहीं होना चाहिए कि भाई किसी जो भी, अगर आप ज्यादा फाइन बढ़ा के लोगों को हरासमेंट की तरफ फोकस करो, रिश्वत वगैरह को बढ़ाओ, ये कहीं ना कहीं इसका मिस यूज भी हो सकते हैं। तो बेटर ये है कि हमें रूल रेगुलेशन को ज्यादा मतलब ढंग से इम्प्लीमेंट है वो करना होगा। इसके बाद में डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि देखो, जो सीसीटीवी वगैरह को आप इंप्लीमेंट करने की बात कह रहे हो ना, वो बहुत अच्छी है, बट सीसीटीवी के साथ साथ हमें ढंग से रूल को भी इंप्लीमेंट करना होगा, उनकी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करनी होगी, सीसीटीवी की क्रॉस चेक करना होगा कि भाई कोई करप्शन वगैरह तो नहीं फैला रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे बात की गई है प्रोफेशनल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, कि हमारे देश में जो प्रोफेशनल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, ये नहीं बनाई गई है। तो जरूरत इस चीज की है कि एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई जाए जो कि सीसीटीवी वगैरह के फुटेज की हेल्प से इन्वेस्टिगेट करे और हमारे देश में रूल रेगुलेशन को और फेयर है वो बना सके। इसके साथ ही राइटर कह रहे हैं कि देखो, जो यूके जैसी या वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उनके मॉडल को हमें फॉलो करना चाहिए। उन सिटीज में भी देखा जाए तो आज से 5-10 साल पहले ऐसी काफी गंभीर समस्याएं थी जैसे कि इंडिया में, तो उन्होंने भी अपने काफी अच्छे मॉडल लेके आए हैं, उनकी जो पॉलिसी है उनको हमें फॉलो करना चाहिए, वहां से हमें चीजों को एब्स्ट्रैक्ट है वो करना होगा। तो ये इस आर्टिकल के कंप्लीट पॉइंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो की है। नेक्स्ट देखो, जो आर्टिकल है इबोला वाला, उसके अंदर 2-4 पॉइंट है। वैसे मैं तो आपको बोलूंगा कि नोट्स बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा कंटेक्स्ट का सीन है वो समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, कंटेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने 2014 में अफ्रीका में महामारी फैली थी इबोला वायरस की। वेस्टर्न अफ्रीकन जो कंट्रीज थी ना, वहां पे महामारी फैली थी एक्चुअली इबोला वायरस की वजह से। तो उस टाइम पे WHO के द्वारा स्टेप है ना, ढंग से नहीं उठाए गए थे, मतलब WHO ने उस टाइम पे थोड़ा न्यूट्रल होकर काम करा था, कोई ढंग से अप्रोच लेके नहीं चला था। हाँ, उदासीन था एक तरीके से कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा है जैसे चलने दो, मतलब कहीं ना कहीं फंड है वो ढंग से नहीं दिया गया था, एक्शन वगैरह नहीं लिए थे ढंग से, वैक्सीन वगैरह वो नहीं प्रोवाइड करवाई गई थी, मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ना कि एक्टिव फॉर्म में नहीं था उस टाइम पे WHO, न्यूट्रल सा पड़ा था। बट राइटर कह रहे हैं कि देखो, आज जब अभी रिसेंटली लास्ट महीने की आप बात करो तो कोंगो के अंदर WHO के द्वारा काफी अच्छा काम हो किया गया था, क्योंकि कोंगो के अंदर वापस से इबोला वायरस है वो एक्चुअली वहां पे पाया गया था, लोगों में इबोला के केसेस सामने आए थे, इसीलिए वहां पे WHO ने काफी अच्छे स्टेप उठाए और लोगों को कहीं ना कहीं फंड भी दिया और इसी के साथ वैक्सीन वगैरह वो प्रोवाइड की थी। मतलब इस बार WHO के द्वारा जो काम किए गए वो बहुत अच्छे लेवल पे किए गए हैं और WHO ने काफी अच्छा सपोर्ट है वो किया है। बट राइट, कुछ लोग हैं वो एक्चुअली WHO का इस चीज का विरोध कर रहे हैं। उनका एक इश्यू ये है कि भाई देखो, जो यहाँ पे इबोला वायरस का अटैक हुआ था कांगो में, इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है वो डिक्लेयर करना था। तो WHO ने बोला कि भाई देखो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? WHO ने ये बोला कि एक तो इतने बड़े लेवल पे नहीं फैली है कि इसको हम इंटरनेशनल इमरजेंसी के तौर पे घोषित है वो करें। दूसरी बार WHO का ये कहना था कि देखो भाई, हमने है ना जो वैक्सीन है एक्चुअली इबोला के लिए, उसका नाम है VSV-EBO जो वैक्सीन है, जो कि कनाडा की एक कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया था, ये यहाँ पे प्रोवाइड करवाया था। मतलब WHO ने ऑलरेडी बहुत अच्छे स्टेप उठा लिए थे, इसलिए इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो ये बेसिकली WHO के द्वारा यहाँ पे स्टेप वो किया गया है। तो इसमें वही बातें डिस्कस की गई कि भाई WHO ने कैसे काम किया, देखो इस बार बहुत अच्छा काम किया है WHO ने, इमरजेंसी मीटिंग भी बनाई, इसके साथ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए, फंड वगैरह का तुरंत एलोकेट किया, वैक्सीन वगैरह वो प्रोवाइड करी और काफी अच्छे तरीके से लोगों को हॉस्पिटल वगैरह वो करवाया। मतलब कोई भी WHO इबोला का पेशेंट पाया गया था, उसको वो एक दिन के अंदर ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट किया गया था, इसका रिसर्च वगैरह भी की गई थी। इसका एक रीजन देखो ये भी है, 2014 में जब पहली बार ये महामारी फैली थी तो WHO को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और इस बार क्या है कि WHO भी काफी अच्छा एक्टिव था, इसके साथ ही कोंगो कंट्री है उसने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, मतलब कंट्री के अंदर खुद के द्वारा भी काफी अच्छा सपोर्ट किया गया और WHO ने, तो इसीलिए इस बार काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ को देखने को मिला था। नेक्स्ट जो, चलो आप पहले कमेंट बॉक्स में बताना कि इबोला वायरस है जो वैक्सीन है ये बेसिकली कहाँ से जनरेट होता है, मतलब इबोला वायरस के बारे में आपको बताना है कि कहाँ ये सबसे पहले फैला था, कौन सी कंट्री से, और इससे क्या क्या लक्षण वगैरह होते हैं, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो बात बहुत सीधी सीधी है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि WTO बनाया क्यों गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था 1995 से पहले। इससे पहले आप एक क्वेश्चन ये बताना कि WTO से पहले इसका नाम क्या था, मतलब WTO से पहले कोई ना कोई बॉडी तो काम करती होगी इंटरनेशनल लेवल पे, उसका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बनाया इस बेसिकली इसलिए गया था ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वो ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से, मतलब वैश्वीकरण की हेल्प से क्या करेंगे, अपनो प्रोडक्ट है ना उनकी सप्लाई ऑल ओवर वर्ल्ड में कर सके। सीधी सी बात ये थी कि उनका प्लान ये था वेस्टर्न कंट्रीज का कि भाई जो इंडिया और चाइना की जैसी कंट्री है ना, इनके मार्केट की एक्सेस है वो हम ले लें, मतलब एक खुला मार्केट तैयार कर लें ऑल ओवर वर्ल्ड में। देखो उस टाइम पे हो क्या रहा था पहले वो देखते हैं।
1995 का सीन क्या था कि भाई यूएसए और जो यूके जैसे भी आप बोल सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनके पास काफी अच्छा सोर्स था, मतलब इनके पास काफी अच्छे प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर वगैरह किए जा रहे थे, तो इनको सप्लाई करने के लिए कोई ना कोई मार्केट चाहिए था। तो इन्होंने क्या बात है कि भाई पूरा विश्व है वो एक है, कहीं ना कहीं आप सारे वर्ल्ड में आप ट्रेड वगैरह कर सकते हो, चीजें बेच सकते हो। तो ऑल ओवर इनका मोटो क्या था कि इनके खुद के प्रोडक्ट है वो बाकी जो छोटी मोटी कंट्री आप बोल सकते हो कि उस टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज थी उनमें जा सके। इनका मेन मोटो था इंडिया और चाइना जैसी मार्केट है इनकी एक्सेस कर लीजिए, मतलब इनके अंदर हमारे प्रोडक्ट है वो सप्लाई किए जाएं। इसलिए तो आपको पता है कि 1991 में हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन आया था, वैश्वीकरण आ गया, उदारीकरण, ये सारी चीजें उसी दौरान आई थी। खैर इसका बेनिफिट भी इंडिया को हुआ था बट कुछ चीजों का नुकसान भी हुआ है। ये तो बेसिकली उस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज का मोटो था कि भाई ठीक है हम इसलिए लेके जाएंगे। बट रियलिटी क्या कह रहे हैं कि देखो आज के टाइम पे सीन कुछ उल्टा हो गया है। इंडिया और चाइना है ना, इन दोनों ने लीड रोल हासिल कर लिया है। इंडिया है वो सर्विस सेक्टर में बहुत आगे है, चाइना है वो मैन्युफैक्चर सेक्टर में बहुत आगे है। मतलब आज के टाइम पे इंडिया और चाइना प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्रीज में, जिससे हो क्या रहा है यूएसए की इकोनॉमी आप बोल सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज को नुकसान ज्यादा हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया गया यूएसए के बारे में कि यूएसए को नुकसान ज्यादा हो रहा है क्योंकि यूएसए चीजें कम इम्पोर्ट कर पा रहा है और इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज है ना वो यूएसए में ज्यादा चीजें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है। अब अगर ये कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगी तो ऑब्वियसली इनको फायदा होगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं WTO है ना उसको यूएसए खत्म करना चाहता है, मतलब उसकी वैल्यू गिराना चाहता है ताकि उसको खत्म कर दिया जाए। तो देखो एक तो बात ऐसी है कि WTO को एक जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जिसका नाम है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी सॉरी, इसमें क्या है कि नए मेंबर को अपॉइंट नहीं करने दे रहा है यूएसए। तो इसका मोटो क्या रहा, मतलब अगर ये बॉडी खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं नए केसेस वगैरह नहीं हैंडल किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप ही WTO खत्म हो जाएगा। देखो आप खुद जानते हो आज के टाइम पे ट्रेड के डिस्प्यूट खत्म होने की वजह बढ़ जा रहे हैं। इस टाइम पे तो हमें सदस्यों को बढ़ाना चाहिए जबकि यूएसए काम कर रहे हैं उल्टा। क्यों इसे वो इसीलिए कह रहा है कि यूएसए को पता है कि भाई चाइना और इंडिया जैसी इकोनॉमी है ना उनको बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, यूएसए को नुकसान हो रहा है उल्टा आज के टाइम पे WTO की वजह से। इसलिए वो नहीं चाहता। WTO का काम क्या है भाई, ट्रेड को प्रमोट करना। अगर ट्रेड को प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया की जो कंपनी है आप बोल सकते हो चाइना की कंपनी वो यूएसए जाएंगी, तो इसलिए उनको बेनिफिट हो सकता है। यूएसए ऐसा चाहता नहीं है इसलिए वो उसको बंद करना चाहता है। फिर राइटर बता रहे हैं कि जैसे नाफ्टा था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, चलो आप ये बताइए कि नाफ्टा में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो नाफ्टा था इसको भी यूएसए खत्म करने की कोशिश पे लगा हुआ है। TPP है उसको आपको पता है किस तरीके से यूएसए ने अपना आपको पीछे खींच लिया था। पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर भी यूएसए ने अपना रोल आउट खत्म किया था। मतलब कहीं क्या है यूएसए आज अपने आप को आइसोलेट करता जा रहा है ताकि प्रोटेक्शन की जो पॉलिसी है उसको सपोर्ट किया जाए। मतलब यूएसए नहीं चाहता कि बाहर की कोई भी कंपनी वगैरह उसके देश के अंदर जाके वहां पे कुछ काम करे, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर बाद में देखो बात ये आती है कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, तो फिर WTO का क्या सीन है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो देखा जाए तो WTO को जब लीड रोल है आप बोल सकते हो कि मेन रोल है वो एक बेसिकली चाइना के पाले में है अभी तो, बट इसके कुछ इश्यूज भी हैं। इश्यूज कुछ इस प्रकार हैं कि देखो चाइना है ना उसके ऊपर काफी आरोप लगते हैं और कहीं ना कहीं चाइना है ना वो एक तरीके से मतलब फेयर डिसीजन नहीं ले पाता है। क्यों, एक तो देखो चाइना है ना अपनी करेंसी को बार बार डिवेल्यूएट करता है तो इससे बाकी कंट्रीज को इश्यूज बहुत बड़े रहते हैं, तो वो नहीं चाहते कि भाई WTO है उसको लीड रोल है वो यूएस चाइना को दिया जाए। इसके साथ ही चाइना है उसकी ट्रेड पॉलिसी वो अनफेयर रहती है, मतलब चाइना अपनी मनमर्जी ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो अपनी फोकस पॉलिसी को ज्यादा ध्यान में देता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं चाइना को अगर बनाना है लीड रोल के तौर पे तो पहले चाइना के ऊपर जो आरोप लगे ना उनको खत्म करना होगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि चाइना को कहीं ना कहीं अपने आप को जो भी इश्यूज है ना उनसे दूर करना होगा तभी चाइना इसका लीड रोल है वो ले सकता है। बट लास्ट में राइटर वे फोर्ड में ये कह रहे हैं कि देखो सभी कंट्रीज को गेट टुगेदर होना पड़ेगा, क्योंकि देखो ट्रेड की बात करें तो ऐसा नहीं है कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है। आज के टाइम पे सभी कंट्रीज हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, एक कंट्री दूसरी से है, दूसरी तीसरी से है, तीसरी चौथी से, ऐसे आपस में क्या है सब एक जाल के फॉर्म में घुसी हुई हैं। अगर सभी कंट्रीज मिलकर काम करती हैं तो बेनिफिट होगा सभी को। अगर दो कंट्री भी आपस में इश्यूज हो रहे हैं और पूरे से पूरे विश्व में विवाद फैल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। जैसे कि देखो अभी हम देख सकते हैं कि यूएसए की जो ट्रेड वार की जो कंडीशन थी इसका नुकसान ऐसा नहीं है कि यूएसए को ही हो रहा है, यूएसए को भी हो रहा है, इंडिया को भी हो रहा है, चाइना को भी हो रहा है, जापान को भी हो रहा है, यूके को, मतलब बाकी सारी कंट्रीज को इसका नुकसान है वो हो रहा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि सभी कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड को प्रमोट करें और एक दूसरे की कंट्रीज का अच्छा सपोर्ट है वो करें। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट है वो थे। ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में बेसिकली इतना ही है। जो PDF है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही फेसबुक पे एक ग्रुप भी बनाया गया है वेलकम UPSC के नाम से, वहां से भी आप जुड़ के और PDF वगैरह है और भी जो कंटेंट है स्टडी मटेरियल वो डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।